अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो यार क्या हाल है, मुझे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, सही यार। और ये हमारे अंदर भाई देखो कहाँ बैठे हैं, छत के ऊपर शेखी खुली झाड़। अगर गिर गए तो शेखी खुली झाड़। अगर गिर गए तो गिर जाओगे तो रोड टूट ना जाए। तो भाई उम्मीद है सबके रोजे अच्छे जा रहे होंगे और रमजान अच्छा जा रहा होगा, सब पूरे रोजे रख रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा भी पूरा, मेरे भी सारे रखे हुए, नाइस, सारे रोजे रखे हुए। मेरे तो 12 महीने के पूरे रोजे जाते हैं और इन्होंने एक भी रोजा नहीं रखा। 12 महीने के जाते हैं, तुमने रोजा क्यों नहीं रखा ये बताओ। अनवर भाई हमारे एक भी रोजा नहीं रखते, यार जो भी देखने वाले भाई सारे पूरे रोजे रखा करो। और ये हमारे वहीद भाई, अभी इन्होंने ग्राइंडर काटा है, ग्राइंडर से काटा है, बोल के क्या बोला तूने, ग्राइंडर से काटा है ना, अच्छा लकड़ी काटी इन्होंने। ये लकड़ियाँ बांधी हैं, परले बांधे, पर ब्रांच कहते हैं ना उसको, क्या ब्रांच है, बांधी। ये भाई खड़े हैं हमारे, ये कल से यहाँ से प्लस्तर स्टार्ट होगा और बाकी ब्रांचें ये पड़ी हैं। अनवर कितने रोजे हो गए, शैम्पू नहीं किया आज? नहीं, आज शैम्पू नहीं किया भाई। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? माशाल्लाह व्यू चेक कर, ये इस मकान के ठेकेदार हैं वहीद भाई। क्या हाल है वहीद भाई, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? वहीद भाई आपने माशाल्लाह इतनी जल्दी मकान बना दिया है, तो मतलब इतना ही टाइम लगता है या आपने ज़्यादा जल्दी कर दिया? ये तो मिठाई के चक्कर में जो है ना इतनी लेट हो गया, मिठाई खिलाई नहीं मालिक ने, वो कह रहे पैसे खत्म हो गए, तो इस चक्कर में अपना तो ज़्यादा ही लेट कर। तो मिठाई भी खिलाएंगे वहीद भाई को, इंशाल्लाह मिठाई भी खिलाएंगे बहुत जल्द। अनवर खुदकुशी मत करना। यार मैं फ्लाइट से घर पर आ गया था और अभी नमाज में भी टाइम है क्योंकि अभी 4:30 बजे है, नमाज 5:30 बजे असर की। सो उससे पहले हम कर रहे हैं शीर कौरमे की तैयारी, मतलब शीर कौरमा बनेगा वो बनेगा ईद पे। तो जैसे कि ये खजूर है, इसको हमने इतने पीसीज में, छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। और ये बादाम है, बादाम का छिलके उतार के बादाम को हमने इतने पीसीज में कट कर लिया। ये खोपरा है, इसको हम अभी घिसेंगे। सो अभी खजूर रह गए, इनको कट कर लेते हैं, फिर खोपरा भी घिसते हैं। छुआरे को इस तरह छोटे पीसीस में कट करेंगे। ये देखें इतने इतने पीसीस में इसको छुआरे को कट करना है हमने। सो भाई अभी हमने सारे खजूरों को छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया है, अब है खोपरे की बारी। खोपरे को इसके ऊपर हम घिसेंगे। सो भाई अभी हमने ले लिया एक बड़ा सा थाल और एक लिया है खोपरा और अब हम इसको घिसेंगे। तो घिस रहे हैं और तो इसमें ख्याल ये करना है कि आपके हाथ पे लगेंगे, इसके जो ब्लेड हैं बहुत तेज हैं। ये देखो यार किस रहा है, ये देखो कैसा हो गया घिसते घिसते।
यार ये देखो इस तरह शेप इसकी हो गई है, घिसते घिसते भाई अभी ये देखो घिसते घिसते छोटा सा हो गया और सावक खोपरा सारा ये आप देखो। साबुत खोपरा इस हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह भी होता है और उसका टेस्ट वगैरह भी होता है, और साबुत पिसा हुआ खोपरा इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो सारा खुश्क होता है और शॉप से जब लेते हैं तो सारा खुश्क होता है लेकिन उसमें ऑयल वगैरह भी नहीं होता, तो इसलिए हम साबुत खोपरा लेते हैं। तो अच्छा अभी सारा ये तो खोपरा रहेगा, ये भी आपको दिखाते हैं। सो भाई ये अभी हमने खोपरे को पीस लिया है और ये बादाम और ये छुआरे इसको भी हमने छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिए। सो यार खोपरा वगैरह पीस लिया है और छुआरे वगैरह भी कट कर लिए हैं, तो अब नमाज का भी टाइम हो रहा है, 5:30 हो रहा है, तो अभी चलते हैं नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। कल दोपहर को दावा कुबरा निस्फे निहार जिसे हम जवाल का वक्त कहते हैं उस वक्त तक ये सारा टाइम पीरियड कल के रोजे की नियत का वक्त है। अभी मगरिब के बाद से लेकर कल जवाल का वक्त अवाम जिसे कहती है जिसे निस्फे निहार शरणी कहते हैं जब सूरज हमारे सर पर होता है, तो ये सारा का सारा वक्त कल के रोजे की नियत का वक्त है। सो भाई नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली है और अभी घर आया हूँ नमाज पढ़ के। सो आप सबको रमज़ान का 20वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, और यह कि मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके रोज़े इंशाल्लाह अच्छे जा रहे होंगे, रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, सबके रोज़े पूरे चल रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी रोज़े पूरे चल रहे हैं। सो भाई अभी 6 बज रहे हैं और इफ्तारी का भी टाइम हो रहा है और इफ्तारी बनना वैसे स्टार्ट हो गई है, तो अब मैं जो कर रहा हूँ मैं इस वक्त ये आप देख रहे हैं मैं चीनी घोल रहा हूँ, शरबत बनाने की तैयारी हो रही है भाई। सबसे पहले इसमें चीनी घोली जाएगी अच्छे से, आज का शरबत मैं बनाऊँगा तो फिर इस वजह से मैं चीनी घोल रहा हूँ। नहीं रह गई भूल जा। सो गाइस चीनी तो देखें आप घुल चुकी है अच्छे से, ये देखें। सो भाई चीनी मैंने घोल ली है और मैं बनाने वाला हूँ टैंग, मेरे हाथ में ये देखें टैंग है और अभी इसमें हम डालते हैं टैंग। सो भाई ये देखो मैंने एक चम्मच निकाल लिया है टैंग का भर के, एक और चम्मच इसमें डालेंगे और ये मैंने दूसरा चम्मच निकाल लिया है और अब इसको घोल देंगे जल्दी। आज का शरबत मैंने बनाया है, नहीं आज का शरबत मैं बना रहा हूँ। सो यार ये तो अच्छे से घुल गया है, बस अब इसमें पानी डालना है, अभी पानी डालेंगे थोड़ी देर बाद ताकि इसमें शरबत जो है हमारा ठंडा रहे, ठंडा पानी डालेंगे इसमें और बर्फ़ भी डाल देंगे ताकि शरबत हमारा इफ्तारी में ठंडा रहे। अभी इफ्तार कर लिया है, नमाज़ पढ़ के अभी आया हूँ और इफ्तारी की मैं वीडियो बना रहा था लेकिन पता नहीं क्या हुआ ये वीडियो बनी नहीं, एंड में पता चला कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी मैंने तो उसकी वीडियो नहीं बना सका। खैर इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।